फ्रेंड्स, मेरे रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत अमेजिंग सा बॉडी स्क्रब, जो बहुत ही सिंपल है जिसे बनाना और जो कि बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन और ग्लो देगा आपकी स्किन के ऊपर। वैसे भी दिवाली की सफाइयां कर करके हम लोगों ने अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया। जी हाँ, सभी लेडीज लगी हैं आजकल दिवाली की सफाइयां करने के लिए, क्योंकि दिवाली बस आने ही वाली है। मैंने भी बहुत सफाइयां की अपने घर में, पर मुझे लगा कि जब मेरे बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा टैन हो चले हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो चले हैं, क्योंकि बहुत सफाई करने के साथ साथ ना आप इतनी थकान में आ जाते हैं कि आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता खुद का ध्यान रखने का, तो मैंने ये बॉडी स्क्रब इस्तेमाल किया और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि इस फेस्टिव सीजन आप भी ये बॉडी स्क्रब इस्तेमाल कर सके। ये बॉडी स्क्रब बहुत इजी सिंपल किचन इंग्रेडिएंट से हमने तैयार किया है। इसे बनाना जितना आसान है, इसे यूज करना भी उतना ही आसान है, और आप इसे वीक में 2 से 3 बार बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर्स में आपकी स्किन को हाइड्रेटेड कर देगा, डलनेस ड्राइनेस को पूरी तरीके से फिनिश कर देगा, साथ ही साथ एक बेहतरीन ग्लो देगा आपके बॉडी पार्ट्स पे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमने ये बॉडी स्क्रब बनाया, क्या क्या यूज किया, सारी डिटेल्स आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। अब देखिए, इस बॉडी स्क्रब को बनाने के लिए हम यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसन आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी क्लेंजिंग का काम करता है, तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच बड़े चम्मच भर के बेसन लिया है। साथ ही लिए हैं 2 सैशे ग्रीन टी के। अब आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं जो आप यूज करना चाहें। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच भर के मक्खन। फ्रेश घर का मक्खन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मक्खन की जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको 1 चम्मच शहद इसमें ऐड ऑन करना है, और सबसे लास्ट में आप इसमें गुलाब जल डाल के इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका स्क्रब का मिक्सचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जो बहुत आसानी से आपके बॉडी पार्ट्स पे लग सके और जिससे आप बहुत अच्छे से स्क्रबिंग कर सकें। तो गुलाब जल की मात्रा आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप उतनी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं आपको अपने हाथों पे स्क्रबिंग करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको अपने हाथों पे पहले स्क्रब को बहुत अच्छे से लगा लेना है, और लगाने के बाद इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आपको स्क्रबिंग करते जाना है। ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स करना है, जब तक कि आपकी स्क्रबिंग बढ़िया तरीके से ना हो जाए। इस तरीके से सारी टैनिंग स्क्रबिंग करने से निकल जाएगी, और जो कालापन और जो डलनेस आपकी स्किन के ऊपर है, ड्राइनेस है, वो सब भी पूरी तरीके से निकल जाएगी। आप इस स्क्रब को विंटर्स में भी 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं वीक में, और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। यहाँ मैं आपको पहले टॉवल से अपने हैंड्स को क्लीन करके दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको वॉश करके भी अपने हैंड्स दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी हाइड्रेटेड और ब्यूटीफुल स्किन लग रही है, और इसी तरीके से आप बॉडी के किसी भी टैन पार्ट को स्क्रबिंग कर सकते हैं, और ब्यूटीफुली हाइड्रेट करेगी आपकी स्किन, साथ ही साथ बहुत अच्छा ग्लो आएगा, शाइन आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। तो जरूर ट्राई करिए स्क्रब इस विंटर्स और इस फेस्टिव सीजन भी स्क्रब का जरूर। तो देखा आपने कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से हमने ये बॉडी स्क्रब तैयार किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मक्खन का इस्तेमाल किया, हमने बेसन का इस्तेमाल किया, ग्रीन टी का इस्तेमाल किया। अब आपके पास मक्खन नहीं है ना, तो परेशान मत होइए, आप तब भी ये बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। आप गाढ़ी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं मक्खन की जगह पे, और बहुत अच्छा काम करती है। चाहे आप मक्खन लें, चाहे आप मलाई लें, दोनों ही चीजें आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। साथ ही एक वाइटनिंग दे देती है आपकी स्किन के ऊपर, एक बेहतरीन ग्लो दे देती है। ग्रीन टी बहुत अच्छे से आपकी बॉडी की स्क्रबिंग करेगा। तो यकीन जानिए, बॉडी स्क्रब यूज करने के बाद ना आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा। अब आते हैं आज की क्विक टिप पे। कई लोग कहते हैं हमारे कोहनियों और घुटनों की मैल साफ नहीं होती, किसी भी तरीके से कालापन नहीं जाता, तो उनके लिए है आज की ये क्विक टिप। आपको करना क्या है, आपको 1 से 1.5 चम्मच दरदरी पिसी हुई चीनी ले लेनी है। उसमें आपको 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून नारियल का तेल ऐड कर लेना है। साथ ही आपको ऐड करना है 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो हम मोस्टली यूज करते हैं किचन में, वो बेकिंग सोडा आपको ले लेना है और आपको इसमें ऐड ऑन कर लेना है। इन सारी चीजों को मिक्स करके नींबू के छिलके के साथ में ही आपको इसे अपने कोहनियों पे और घुटनों पे, जो भी टैन पार्ट है, जो भी कालापन वाला पार्ट है, जहां आपको लगता है मैल गंदगी नहीं जाती कुछ भी लगाने से, वहां आपको स्क्रबिंग करना शुरू कर देना है। 5-10 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद इसको 5-10 मिनट्स आप ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे।
तीन या चार बार के एप्लीकेशन में ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कालापन कहीं छू मंतर हो गया और आपकी स्किन भी ब्यूटीफुली अच्छे से ग्लो करने लग जाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये बॉडी स्क्रब और आज की ये सिंपल सी क्विक टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।